तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू गाइस आर वेल। तो जी जो आज की वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जिनकी एज जो मतलब टीनेजर हैं, जो स्कूल जाती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, जिनको घर से इजाज़त नहीं होती कि वो अपने फेस के हेयर रिमूव करवा सकें। इसी तरह मुझे भी इजाज़त नहीं है, जी हाँ अभी तक मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अपने फेशियल हेयर उतरवा सकूँ, क्योंकि मेरी मामा कहती हैं कि अगर एक दफ़ा तुमने ये उतरवाने शुरू कर दिए ना तो तुम्हें फिर हर दफ़ा उतरवा पड़ेंगे। और अगर आप कुछ भी चीज यूज करते हैं, आप रेजर यूज करते हैं, आप वैक्स करवाते हैं, आप कोई भी चीज यूज करते हैं तो उससे और हार्ड बाल आते हैं और आपकी फिर वो रूटीन बन जाती है। जैसे हम अपनी पैकिंग करवाते हैं और हमें करवानी ही पड़ती है, इसी तरह हमारी वो रूटीन बन जाती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं ना तो वैक्स करवाती हूँ ना ही कुछ और करवाती हूँ, मैं अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कैसे करती हूँ। जब आपके फेशियल हेयर्स रिमूव हो जाते हैं ना तो आपका फेस इतना ग्लो करता है, जो मेकअप होता है वो भी ज़्यादा देर के लिए स्टे करता है, तो इसलिए ये तो रिमूव करने ही होते। तो मैं क्या करती हूँ, इवन मेरी जब शादी थी तब भी मेरी मामा ने मुझे नहीं उतरवाने दिए। उन्होंने कहा कि अगर तुमने उतरवा दिए तो फिर मुझे मत कहना कि इतनी ज़्यादा बाल आ गए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रेमेडी शेयर करूंगी। तो मैं अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए और अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए क्या करती हूँ, तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून आटा। हमारे घर में जो भी रेगुलर आटा होता है आपने वो यूज करना है। और इसके अलावा हमें चाहिए 4 टेबलस्पून मिल्क। कोई भी आपके घर में दूध है, कोई भी डिब्बे वाला या फिर जो फ्रेश मिल्क होता है कोई भी है, आप लोगों ने 4 टेबलस्पून लेने हैं। ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना और ज़्यादा थिक पेस्ट भी नहीं बनाना, नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है और आपकी रेमेडी रेडी हो जाएगी। 4 टेबलस्पून जो मिल्क है वो एक दफ़ा ही नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डाल लें ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ज़्यादा थिक ना बने और ज़्यादा थिन भी ना बने। और दूध नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी दूध नहीं होना चाहिए। गाइज ये हमारी रेमेडी बन के रेडी है। ये ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह की होनी चाहिए। मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून डाले हैं दूध के। दूध आप कोई भी कच्चा या कोई भी आपके घर में जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका फेस धुला हुआ होना चाहिए इसको लगाने से पहले। और अब इसको अप्लाई करते हैं। आप चाहें तो उसको चम्मच से लगा लें, चाहे तो ब्रश से लगा लें, चाहे तो आप फिंगर से लगा लें। एक और बात, हमने इसकी बहुत मोटी लेयर नहीं अप्लाई करनी है अपने फेस पे, बिल्कुल नॉर्मल सी और पतली सी लेयर अप्लाई करनी है ताकि ये जल्दी ड्राई हो सके, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और अगर हम इस पे बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगा देंगे तो वो ना तो ड्राई होगी और ना ही हमारे बाल उतरेंगे। अच्छा, इसका एक और भी फ़ायदा है कि जब हम इसके रिमूव करेंगे ना, इसको उतारेंगे जब, तब हमारे साथ बाल तो उतरेंगे लेकिन हमारे साथ स्किन भी ग्लो करेगी, जो हमारी डेड स्किन होती है वो भी उतर जाएगी इसके साथ। सो इसको अप्लाई करते हैं। ये मैं शादी से पहले अप्लाई करती आ रही हूँ। जब मुझे दिल कर रहा था ना कि यार चेहरे पे थोड़ा ग्लो होना चाहिए, तब मैं इसको अप्लाई कर लेती थी। और इसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी उम्र की लड़की इसको यूज़ कर सकती है। हाँ, जिनके मोटे हेयर्स हैं, जिन्होंने पहले से ही पंगे ले लिए हुए हैं कि यार वैक्स करवा ली और इस तरह की चीज़ें करवा ली, ये रेमेडी उनके लिए नहीं है। जो टीनेजर हैं, जिनको शौक है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब तक चाहे अपनी स्किन को बेबी स्किन रख सकता है। लिटरली मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी है और मैंने अभी तक फेशियल नहीं करवाया। मेरी मम्मा कहती है फेशियल अगर आप करवाओगी तो आपकी स्किन को आदत हो जाएगी फेशियल की, आपकी स्किन को आदत हो जाएगी फेशियल की, और सेकेंड बात यह कि इतना आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है इतनी मसाज लेने की और इन सब चीज़ों की। और आपके फेस पे पिंपल निकले हुए हैं और आप लोगों को कुछ ठंडी चीज़ अप्लाई करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि अगर आप अपने फेस पे ये अप्लाई कर लें तो एकदम ठंडक सी पड़ जाती है। अगर आप लोगों के घर में सूदिंग लोशन नहीं है तो मैं कहूँगी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो ये देखें, इस तरह हमने इसको अप्लाई कर लेना और 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ड्राई होगा हमारा फेस थोड़ा सा अकड़ जाएगा, हमने इसको फुल्ली ड्राई नहीं होने देना, हमने सिर्फ इसको नॉर्मल सा ड्राई होने देना। इसको अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लगे रहने दूंगी। और अगर आपके घर में फैन है तो 2 से 3 मिनट तक आई थिंक ये ड्राई हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 5 मिनट तक लगे रहने दूंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
सो गाइज मुझे इसको ड्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे हैं और अब मेरा मुंह बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैं अब आपके सामने रिमूव करूँगी। तो आपके हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए और आपने बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं करना। मैं इसलिए वीडियो बनानी इसलिए मैं कर रही हूँ और मैंने नीचे कुछ बिछाया हुआ। सो इसको हमने जैसे आपके बाल नीचे की तरफ होते हैं ऊपर की तरफ नहीं बाल होते, तो हमने ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे उतारना है जोर जोर से। आपकी स्किन को कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके लास्ट में बताना। कुछ भी नहीं होगा, आपने अपनी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करना है और उतारना है। मैंने ज्यादा फोकस इस चीज पे करना है तो इसलिए पहले मैं यहां से उतार रही हूं सर्कुलर मोशन में। यार आप लोग कहेंगे यार हमारे तो फोरहेड पे बाल ही नहीं है या तो हमारे तो चीक्स पे बाल ही नहीं है। बाल नहीं भी है अगर आप फिर भी इसको ट्राई करेंगे ना तो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छे वाला ग्लो आएगा। हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज किया हुआ, कोई भी कुछ भी यूज नहीं किया हुआ, तो आपकी स्किन को 0% भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा होगा और ग्लो आएगा। तो जी अब मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ, फेस वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं फेस वॉश कर रही हूँ और एक चीज की मेरी गारंटी है कि जब आप लोग फेस वॉश कर रहे होंगे ना आप लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी, पक्का हर किसी को फीलिंग आएगी जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और जो बार बार कर रहे हैं, हर बार फीलिंग आएगी कि जैसे ना कोई न्यू फेस मिल गया हो आपको। इतनी सॉफ्ट और इतनी मजे की स्किन हो जाएगी आपकी। और जिनके पिंपल हैं वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा ग्लो आएगा। और जो लोग इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद आके मुझे कमेंट करेंगे कि आप ही हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं उनको कहूंगी आपको एक दफा फर्क नहीं पड़ा, लाइक आपको लगा कि थोड़े से बाल उतरे हैं आधे हैं तो उसको दोबारा करें, आपको फिर लगेगा यार अभी भी थोड़े हैं तो उसको दोबारा करें, क्योंकि आपकी स्किन को उस चीज की आदत नहीं होती। मेरी स्किन को आदत हो गई है जब मुझे लगता है कि यार यहाँ पे हल्के हल्के बाल है तो मैं इसको उतार लेती हूँ और मेरा फेस लिटरली बिल्कुल साफ हो जाता है क्योंकि मैंने अपनी स्किन को आदत डाल ली है। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, चाहे आप इसको बार बार करें कोई भी इसका नुकसान नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी और लास्ट भी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।